फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक रिव्यू करके, मेरी फर्स्ट रिव्यू वीडियो डाल रहा हूं जो कि है इन पेन्स के ऊपर। इन पेन का मैं रिव्यू करने वाला हूं जो कि 3-in-1 पेन्स बोले जाते हैं या बोल सकते हैं इनका मल्टी फंक्शंस काम है। पेन तो है ही, मतलब पेन तो है तो पेन तो चलते ही चलेगा और साथ में दो काम और करते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है, वो भी आपके मोबाइल से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कैसे यूज करते हैं, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों जैसा कि ने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ इन दो पेन के रिव्यू करके, या बोल सकते हैं इन दो पेनों के रिव्यू करके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इन पेनों का काम 3-in-1 है। जैसा कि सबसे पहला काम कि अगर आपको यहाँ पर कुछ लिखना हो, जैसे कि इसका यहाँ पर आप यूज करेंगे तो ये यहाँ पर निब बाहर आ जाएगी और आप ऐसे करके कुछ लिखना चाहते हो पेन पे कॉपी पे तो आप ऐसा लिख सकते हैं। एक ऐसे है और एक में अगर आपको कुछ लिखना हो तो आपको उसको कवर कैप को ओपन करना होगा, फिर आप वहाँ जाके कुछ लिख सकते हैं। ये तो हो गया इसके नॉर्मल यूजेस, ये तो हर कोई जानता है कि भाई ये तो आप कर सकते हैं। जो इसका मेन यूज़ ये है कि यह अगर आप कहीं बाहर हो और या बोल सकते हैं कहीं ऐसी जगह हो आपको अपने टाइम पास करना हो तो आप अपने पेन को एज आ मोबाइल होल्डर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये बीच में जो स्पेस दिख रही है ये मोबाइल होल्डर के लिए। आपको सिंपली करना क्या है, अपने मोबाइल को यहाँ पर जाके इसमें ऐसे रख देना है और आपका ये मोबाइल होल्डर बन जाएगा। या बस आपको ऐसे जाके अपने मोबाइल को यहाँ पर रख देना है। आप देख रहे होंगे अगर आप इसको कहीं रखेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली और बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा जा चुका है। अगर आप कहीं इसको पीछे से भी देखेंगे तो पूरी तरह से परफेक्टली यहाँ पर ये रखा जा चुका है। आप इसको कहीं भी ऐसे रख के और अपना मूवीज़ जो भी आपको देखना हो आप यहाँ पर आप देख आउट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको यहाँ पर कर लो, चाहे आप कॉर्नर में रख लो, आप कहीं भी इसको रखेंगे और ये अच्छे से यहाँ पर हैंडल होगा। ये अभी मैंने रखा नहीं है तो इसलिए आपको लग रहा है, बट आप इसको रख के यूज़ करके देखेंगे मोबाइल होल्डर को तो बहुत ही शानदार तरीके से ये यूज़ होने वाला है। आप देख सकते हैं अब मैंने पेन को ही पकड़ा है और आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये होल्ड हो चुका है। ये दोनों पेन में आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल होल्डर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है इसका ये ब्लैक कलर का आपको जो दिख रहा है ऊपर, ये आप इसको अपना मोबाइल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि एज आ आप मोबाइल स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा आप स्टिक की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ टाइपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ ड्राइंग करना चाहते हैं तो आप इससे कुछ ड्राइंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इसको इसका यूज़ करना चाहें, आप कुछ भी लिखना चाहें या कुछ भी इसको ऐसा ड्रॉ करना चाहें तो आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला फीचर या बोल सकते हैं इस तरीके से ये वाला पेन काम करता है, जो कि आपको अमेजोन के अंदर मिल जाएगा 119 रुपीज़ में। आपको वहाँ पर फाइव का पैक मिलने वाला है, 5 पीसेस ऑफ पेन मिलने वाला है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। आप अपनी जेब में रख के कहीं भी अपने पेन के साथ आप अपने मोबाइल को टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मान लो कहीं आपका हाथ गीला हो, आप नहीं लगाना चाहते अपने मोबाइल को कॉल, तो आप उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं, इस टच के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसा कि आजकल बारिश ज़्यादा आ रही है तो पानी में हाथ गीली हो जाते हो तब वर्क नहीं करता, तो आप इसके थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन कहीं ऐसी जगह पे हो, कहीं बाहर हो वो, या कहीं ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, आपको वीडियोस देखनी है तो आप इसको एज अ मोबाइल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ लिखना हो तो नॉर्मल पेन की तरह तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं। तो यही कमाल का पेन था जिसके बारे में आज मैंने आपको बताया। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका अमेजोन का लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा, जाके आप वहाँ जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पहले पता था या नहीं था। थैंक यू, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लगता है उसमें कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं। या फिर अगर अभी तक आपने मेरे से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।